क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई फोर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन वाई एंड स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू टू। इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। इस सम को करने के पहले हम थोड़ा सा पैराबोला के बारे में देखें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, ए हमें अपवर्ड पैराबोला दिखाता है, मान लेते हैं इस पैराबोला का फोकस ए है, ए पॉइंट है, तो इस पर ए जो परपेंडिकुलर लाइन है इसे हम इस पूरे लाइन को लेटर्स रेक्टम कहते हैं, ये फोर ए के बराबर होता है। तो ये लेटर्स रेक्टम जितना छोटा होगा पैराबोला उतना संकरा होगा, लेटर्स रेक्टम जितना बड़ा होगा पैराबोला उतना ही बड़ा होगा। तो हमारे क्वेश्चन में ए भी अपवर्ड पैराबोला है, ए भी अपवर्ड पैराबोला है। मान लेते हैं हमारा एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसका लेटर्स रेक्टम फोर ए बड़ा वन बाई फोर है, मतलब ये पैराबोला सपोज ऐसा है, ए पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई फोर है, तो ए पैराबोला का लेटर सेक्टम इसके लेटर सेक्टम से अधिक है, इसलिए पैराबोला कुछ इस प्रकार का होगा। ए पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन वाई। मान लेते हैं ए जीरो जीरो है, ओरिजिन है, ए पॉइंट मान लेते हैं जीरो टू है, जीरो टू है, ए जीरो जीरो है, तो हमें दोनों पैराबोला के बीच का एरिया मैंने हमें ए पोर्शन का एरिया निकालना है ना। एक्चुअल ए साइड दोनों साइड सिमेट्री होगा, हमारे स्केच में वैसा नहीं हो पाया है। तो हमें ए स्लाइस वाई की ओर मिल रहा है, तो यहां पर एरिया ऑफ सेंटर रीजन हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ए स्लाइस वाई की ओर है, इस पूरे एरिया में से ये पूरा एरिया होगा जीरो टू टू, स्लाइस वाई की ओर है डी वाई, यहां पर एक्स की वैल्यू है, सॉरी यहां डी वाई है ना, तो एक्स की वैल्यू, यहां एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इसमें ए है ना, इसमें एक्स का वैल्यू होगा थ्री नाइन वाई का अंडर रूट, मीन्स थ्री रूट वाई माइनस ए पूरे एरिया में से
इस एरिया को माइनस करना है 0 to 2। यहाँ पर ये वाई एक्सिस है इसलिए डी वाई, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर इतना है, तो वो ए होगा रूट वाई बाई 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ए इसका एरिया आया, इस पोर्शन का एरिया, ऐसा ऐसा दो दो पार्ट हैं, दोनों सिमेट्री पार्ट हैं, इसलिए इतना इंटू टू, यानी एरिया हमारा हो गया 2, ये वाला 2। थ्री बाहर, 0 to 2 रूट वाई डी वाई माइनस 1/2 0 to 2 रूट वाई डी वाई। इंटीग्रेशन ऑफ रूट वाई डी वाई बराबर क्या होगा, वाई टू द पावर 3/2 / 3/2 प्लस सी, यानी 2/3 इंटू वाई टू द पावर 3/2। तो ए होगा 2 into 3, रूट वाई डी वाई की वैल्यू है 2/3, इंटू वाई टू द पावर 3/2 है, तो एक बार हम यहां पर इंटू वाई टू द पावर 3/2 0 to 2 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू वाई टू द पावर 3/2 0 to 2 टू इंटू a3 से a3 कैंसिल 2 टू द पावर, एक बार जब हम y के लिए 2 बैठाएंगे तो 2 to the power 3/2, और जब y के लिए 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस a2 से a2 कैंसिल 1/3, y के लिए 2 बैठाएंगे तो 2 to the power 3/2 माइनस, जब 0 बैठाएंगे 0, तो 2 into 2 to the power 3/2 means 2 into 2 to the power half means 2 root 2, 1/3 into 2 root 2, ये हो गया 2 into 4 root 2 minus 2 root 2/3, 2 into LCM 3, 12 root 2 minus 2 root 2, 2 into 12 में से 2 get 10, root 2 by 3, that is 20 root 2 by 3 square unit, यही area हमारा आंसर होगा।